अस्सलामु अलैकुम। तमाम पेयर की एक क्विक अपडेट के साथ हाजिर हूँ। गोल्ड फ़िलहाल 1785 के आसपास चल रहा है। मॉर्निंग वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1784 से लेकर 1780 के दरमियान एक्सपोर्ट एरिया है गोल्ड के लिए, और लास्ट कैंडल में अगर आप देखें तो गोल्ड ने 1782 के लो बनाए हैं। तो अभी भी एक्सपोर्ट एरिया वैलिड है 1784 से लेकर 1780 तक। तो अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो गोल्ड दोबारा 1774 और 1771-70 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो अब आपको नज़र आ रही होगी कि 1802 की है, जो मॉर्निंग में भी मैंने आपको बताया था कि 1802 ब्रेक करेगा तो ही गोल्ड 1808 तक जा सकता है। तो रेजिस्टेंस में अभी हमारी कोई चेंजिंग नहीं और न सपोर्ट में, लेकिन नेक्स्ट लेवल में मैंने आपको बता दी है कि अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो गोल्ड फिर कहाँ तक जा सकता है। ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का नेगेटिव ही बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी यूरो पर। तो ये है यूरो का चार्ट, 1800 के आसपास चल रहा है। हमारा जो स्पोर्ट एरिया है वो है 1795 का। दूसरी साइड पर अब हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 1860 की। सपोर्ट एरिया हमारा कोई चेंज नहीं हुआ, सपोर्ट एरिया हमारा अभी भी 1795 का ही है। ट्रेंड फिलहाल यूरो का नेगेटिव ही है। तो ये है जी पाउंड का चार्ट, 1737-35 के आसपास चल रही है। मॉर्निंग वीडियो में 37-30 की सपोर्ट दी थी मैंने, और वो सपोर्ट अभी भी हमारी वैलिड है 37-30 की। दूसरी साइड पर रजिस्टर्स अब हमारी रहेगी 1-3800 की राउंड फिगर की। ट्रेंड फिलहाल पाउंड का भी नेगेटिव है। ये है जी सिल्वर का चार्ट। रिसेंटली सिल्वर ने 2390 के आसपास के लो बनाए हैं, तो सपोर्ट के करीब ही है। इसी के आसपास मॉर्निंग में हमारी सपोर्ट थी 24 की, तो अब थोड़ी सी सपोर्ट इसकी चेंज है $23.85 की। अगर 23.85 ब्रेक करती है तो 23.50 तक सिल्वर जा सकती है। एक अच्छा लेवल है सपोर्ट लेवल 23.85। सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है हमारी वो मॉर्निंग वाली वैलिड है। यह है जी क्रूड ऑयल का चार्ट, 68-96 के आसपास चल रहा है। 69-70 की हमारी रेजिस्टेंस थी मॉर्निंग वीडियो में, वैलिड है, उसी के आसपास से रिजेक्ट हुआ है। और जो सपोर्ट हमारी वो भी अभी मॉर्निंग वाली वैलिड है $67 की। ट्रेंड फिलहाल वीक ही है जब तक हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता। ये है जी USD JPY, रिसेंटली 110-35 के आसपास चल रहा है। इसकी रेजिस्टेंस में थोड़ी सी चेंजिंग है अब। इसकी रेजिस्टेंस अब हमारी रहेगी 110-55 की, और दूसरी साइड पर हमारी सपोर्ट रहेगी 110-10 की। ट्रेंड फिलहाल USD JPY का भी पॉजिटिव बना हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।